नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग की बैठक में फिर से नहीं पहुंचे वीसी। बिहार में हजारों मतदान केंद्रों से होगी लाइव वेबकास्टिंग। गाड़ी के नंबर प्लेट पर माँ पापा आदि लिखने पर लगा जुर्माना। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, मैंने खुद से सीखा अभिनय। टू व्हीलर चलाने के दौरान इन नियमों को तोड़ने पर होगा भारी नुकसान। पेट्रोल डीजल के दाम पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दिया बयान। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 4-1 से जीती टेस्ट सीरीज। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने निकाली बिहार ब्लॉक बागवानी अधिकारियों के लिए भर्ती। बिहार ब्लॉक बागवानी अधिकारियों के लिए बीपीएससी द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 318 ब्लॉक पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मार्च 2024 है। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी हॉर्टी या कृषि विज्ञान में स्नातक किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेंगे। हालांकि भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। बिहार सरकार बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक देती है प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक प्रोत्साहन राशि देती है। सरकार बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। अलग अलग चरणों में राशि को दिया जाता है। इसमें कुल 94,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0661/22333 पर संपर्क किया जा सकता है। लड़कियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कसौरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन के लिए 7 से 12 वर्ग की छात्राओं को हर साल 300 रुपये दिए जाते हैं। मालूम हो कि बच्चों के जन्म पर सरकार 2,000 रुपये देती है, जबकि 1 साल पूरा होने पर 1,000 रुपये की राशि देती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन करने पर 50,000 की राशि दी जाती है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे बड़ी दरगाह के बारे में। ये दरगाह बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित है। बड़ी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध ये मजार सूफी हजरत मखदूम का है। सूफी हजरत मखदूम जात पात के भेदभाव से उठकर मानव समुदाय की सेवा के लिए जाने जाते थे। आज इनके मजार पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। इन्होंने कई बेहतरीन किताबें भी लिखी थी जो आज भी यहाँ खानकाह में आपको देखने को मिल जाएंगे। उर्स मेले के दौरान यहां पर कव्वाली का धूमधाम से आयोजन भी देखने को मिलता है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 4-1 से जीती टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया है। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया था। इस दौरान भारतीय प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने जीत हासिल की थी। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से इस टीम से उम्मीद की गई थी। 5वें टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़ा है, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की है। भारत ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की ये जीत काफी ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के 112 सालों के बाद किसी टीम ने पहले मैच में हारने के बाद सीरीज को अपने नाम किया है। शिक्षा विभाग की बैठक में फिर से नहीं पहुंचे वीसी। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बीते दिन बैठक बुलाई गई थी। इसमें दूसरी बार विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद के पाठक ने बैठक को रद्द कर दिया है और 15 मार्च को फिर से बैठक बुलाई है। मालूम हो कि राजभवन की ओर से कुलपतियों के बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दिया गया था। उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश था। फिलहाल शिक्षा विभाग की अगली बैठक 15 मार्च को होगी। आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक में भी कुलपति नहीं आएंगे। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में मेडिकल की सीट में हुई बढ़ोतरी। बिहार में मेडिकल की सीट में इजाफा हुआ है। कुछ सालों में मेडिकल और इंजीनियरिंग के कई कॉलेज खोले गए हैं। वहीं बिहार सरकार के आदेश पर कॉलेजों के शिक्षक अपने आसपास के इलाकों में छात्र और छात्राओं को इस फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इस कड़ी में साल 2023 में राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में जहां 13,675 सीटों पर मात्र 5,733 दाखिला हुआ था, वहीं इस बार 38 इंजीनियरिंग सहित IIT और NIT कॉलेजों में 15,206 सीटों पर नामांकन होगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मालूम हो कि इस बार मेडिकल कॉलेजों में हुई बढ़ोतरी सीटों पर नामांकन होगा।
टू व्हीलर चलाने के दौरान इन नियमों को तोड़ने पर होगा भारी नुकसान। टू व्हीलर चलाने के दौरान नियमों को तोड़ने पर भारी नुकसान हो सकता है। यातायात के नियमों को तोड़ने पर जुर्माना भरना होता है। टू व्हीलर पर ट्रिपलिंग लोडिंग करने से 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं हेलमेट नहीं पहनने पर भी 1,000 तक का जुर्माना लगता है। इसके अलावा इमरजेंसी वाहन जैसे फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना का भुगतान करना पड़ सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 तक का फाइन लग सकता है और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 2,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार में हजारों मतदान केंद्रों से होगी लाइव वेबकास्टिंग। बिहार में 39,000 से अधिक मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग होगी। मालूम हो कि राज्य में 78,000 से अधिक मतदान केंद्र है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की व्यवस्था होगी। वहीं केंद्रों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था का आदेश है। इस बार 50,000 मतदान केंद्रों से लाइव प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले मतदान केंद्रों का सिर्फ वीडियो को देखा जा सकता था। इस बार वीडियो के साथ ही ऑडियो सुनने की भी व्यवस्था की जाएगी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी प्लेसमेंट। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी अब बढ़िया कंपनियां आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों ने यहां जॉब ऑफर करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं पिछले साल भी यहां हजारों छात्र और छात्राओं को इन्फोसिस और टाटा जैसी कंपनियों के द्वारा नौकरी दी गई थी। राज्य के कॉलेजों से छात्र और छात्राओं को अब सीधे प्लेसमेंट मिलेगा। एनर्जी, IIT, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर की दर्जन भर कंपनियों ने प्लेसमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। इससे छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं तकनीकी संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी अनिवार्य कर दिया गया है। गाड़ी के नंबर प्लेट पर माँ पापा आदि लिखने पर लगा जुर्माना। गाड़ी के नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिवहन सचिव के आदेश पर HSRP ने विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत कुल 745 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इन वाहन चालकों को ऑन द स्पॉट जुर्माना काटा गया है। राज्य के सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी MVI और ESI की ओर से ये अभियान चलाया गया है। परिवहन विभाग के द्वारा 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मालूम हो कि स्टाइलिश तरीके से शब्दों को प्रदर्शित करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। बिहार में वोटिंग की स्थिति चिंताजनक। बिहार को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ चुनाव के दौरान वोटिंग की स्थिति ठीक नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में वोटिंग का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से खराब रहा है। यहां के मतदाताओं की भागीदारी देश के सभी राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। साल 2019 के चुनाव में जम्मू कश्मीर को छोड़कर बिहार की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे खराब है। देश में करीब 67.4% मतदाताओं ने लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिया था, जबकि इसमें बिहार के मतदाताओं की संख्या सबसे कम 57.33% रही है। इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बेसलाइन सर्वे करना शुरू किया है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, मैंने खुद से सीखा अभिनय। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने एक्टिंग खुद से सीखी है। वे अपने पिता के सेट पर कभी भी नहीं गई थी। एक इवेंट में एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जमीन से की है। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने एक्टिंग या डांस की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। अभिनेत्री के मुताबिक वो अपने प्रोफेशन के दौरान ही बड़ी हुई हैं। अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। सिन्हा बताती हैं कि उन्हें सही में तालाब में फेंक दिया गया था और कहा गया था कि तैर कर दिखाओ। इसी तरह से उन्होंने सब कुछ सीखा है। सोनाक्षी सिन्हा फिलहाल संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में नजर आने वाली है। लैपटॉप की लंबी बैटरी लाइफ के लिए ना करें ये गलतियां। लैपटॉप की लंबी बैटरी लाइफ के लिए कई तरह की सावधानियों को बरतना जरूरी होता है। आजकल बैटरियों का निर्माण लिथियम आयन से किया जाता है। इस कारण शुरुआत में ही बैटरी की लाइफ अच्छी होती है, जबकि बाद में इसमें कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इस कारण कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आप रात भर लैपटॉप को चार्ज नहीं करें। इसके अलावा गर्म जगह पर लैपटॉप को चार्ज करने से बचें। वहीं बैटरी को फुल चार्ज नहीं करें। साथ ही किसी भी चार्जर से लैपटॉप को चार्ज नहीं करें और चार्जिंग के दौरान लैपटॉप को यूज नहीं करें। ऐसा करने से आपके लैपटॉप की लाइफ लंबी होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे यश सिन्हा के बारे में। यश सिन्हा पेशे से एक अभिनेता है जो बिहार पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने करियर में कई धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई है। इन धारावाहिकों में GTV, सो आवाज, दिल से दिल तक, तुम्हारी दिशा, हर घर कुछ कहता है, 3 बहुरानी, अफसर बेटिया आदि शामिल है। वहीं सहारा वन पर आने वाले धारावाहिक जमीन से आसमान तक, डोली सजा के आदि शामिल है। इसके अलावा स्टार प्लस के सो भाभी और कलर्स शो पर आने वाले सो कोड रेड शामिल है। इन सभी धारावाहिकों में इन्होंने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। इसके अलावा ये फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी नजर आ चुके हैं।
भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। भाजपा ने बिहार एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। एनडीए कोटे की 4 सीटों में संतोष सुमन ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद बाकी बचे प्रत्याशियों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री मंगल पांडे, डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। विधान परिषद के चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशी का पत्ता कट चुका है। वहीं राज्य में 11 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने नीतीश कुमार, संतोष सुमन, मंगल पांडे, डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में अधिकतम जगहों पर सतही पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक प्रदेश में आज रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में हवा के रुख में बदलाव होने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। होली में अंबाला कैंट से बिहार के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। होली पर लोगों के लिए अब घर जाना और आसान हो जाएगा। अंबाला कैंट से बिहार के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। होली के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को तोहफा दिया है। मालूम हो कि त्योहारों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ होती है। सहरसा में अंबाला के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। सहरसा के साथ ही दानापुर, आरा, गया, रक्सौल और आनंद विहार के लिए भी ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। राजगीर, पटना, दानापुर, आरा, गया एवं रक्सौल से आनंद विहार के लिए तथा सहरसा से अंबाला कैंट के लिए होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। पुलिस ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में होली से पहले पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नवादा के सिरदला क्षेत्र में पुलिस ने 2000 लीटर अर्धनिर्मित जावा महुआ के मीठे घोल को नष्ट किया गया है। साथ ही एक बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने यहां शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। वहीं झाड़ियों में छिपे हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी से शराब बनाने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली तलब। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को दिल्ली के लिए तलब किया गया है। दिल्ली में उनकी पार्टी के आला कमान नेताओं के साथ बैठक निर्धारित है। विधान परिषद में महागठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद दिल्ली गए हैं। कहा जा रहा है कि विधान परिषद में एक भी सीट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया। अमित शाह ने लालू यादव और सोनिया गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, जबकि राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दोनों इस चीज के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि दोनों पार्टियां काफी दिनों से यहां सत्ता में थी, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राजद और कांग्रेस दोनों घपला करने वाली पार्टी है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने किया शक्ति प्रदर्शन। पप्पू यादव ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जन अधिकार पार्टी के बैनर तले विशाल रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीमांचल का यदि कोई विकास कर सकता है तो वो एकमात्र पप्पू यादव ही है। पप्पू यादव ने लोगों से वादा किया है कि अगर किसी के बेटे के 10वीं पास हो जाने के बाद पढ़ने को पैसा नहीं होगा तो वो उनकी मदद करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि वो 12वीं पास बच्चियों को नौकरी देंगे, साथ ही लोगों के बेटियों की शादी में भी मदद करेंगे। जाप सुप्रीमो के अनुसार उन्हें ये मंजूर है कि उनकी किडनी बिक जाए, लेकिन वो किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1922 में महात्मा गांधी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था। आज के दिन भारतीय महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी का वर्ष 1996 में जन्म हुआ था। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार वाजिद खान का जन्म वर्ष 1981 में हुआ था। आज के दिन उडुपी रामचंद्र राव का वर्ष 1932 में जन्म हुआ था। ये भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। साथ ही भारत के जाने माने समाज सुधारक ललन प्रसाद व्यास का जन्म भी आज के ही दिन वर्ष 1934 में हुआ था।
पेट्रोल डीजल के दाम पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दिया बयान। पेट्रोल डीजल के दाम पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डीजल की बिक्री पर अंडर रिकवरी की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पर निर्भर करेगा। मंत्री ने कहा है कि बाहरी दुनिया की स्थिति के स्थिर हो जाने के बाद तेल की कीमतें स्थिर होंगी, इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की बात सोची जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में उत्पाद शुल्क की कमी की गई थी। अब 10 से 15 मिनट में फ्लिपकार्ट आपके घर पहुंचाएगा आपके ऑर्डर्स की डिलीवरी। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के बाद अब हमारे लिए घर बैठे शॉपिंग करना काफी आसान हो चुका है। अब आप कभी भी और कहीं भी घर बैठे ही हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा जैसी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम शॉपिंग कर सकते हैं। ये सभी चीजें ये प्लेटफॉर्म को दिनों का समय लेते हैं और हम तक हमारे ऑर्डर्स को बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए सामानों को हम महज 10 से 15 मिनट में ही पहुंचा दिया जाए। जी हाँ, अब फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे ही सर्विस लेकर आने वाला है। इसे 2 महीनों में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है सेम डे डिलीवरी। हालांकि लॉन्च हो जाने के बाद ये सुविधा देश के 12 शहरों में शुरू की जाएगी, जिससे फ्लिपकार्ट यूजर्स को काफी फायदा होने वाला है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे आरबीआई के नाम पर वायरल हो रहे इस मैसेज के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर आरबीआई के नाम से एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज के जरिए ये कहा जा रहा है कि एटीएम का प्रयोग करने समय ट्रांजैक्शन के दौरान 2 बार कैंसिल बटन प्रेस करने से एटीएम पिन की चोरी को रोका जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। आरबीआई के नाम पर फैलाई जा रही ये खबर पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इंटरनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया या अन्य किसी भी मैसेज के जरिए आप तक कोई भी ऐसी खबर पहुंचाई जाती है तो उस पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हर वर्ष की स्थिति को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 मार्च को, ऑप्शन बी है 5 मार्च को, ऑप्शन सी है 7 मार्च को, ऑप्शन डी है 8 मार्च को। इसका सही उत्तर है 8 मार्च को। कौन इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया में भारत के नए राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए है एस जयशंकर, ऑप्शन बी है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी है नरेश कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य की मांडुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही उत्तर है असम। निम्न में से कौन पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे? ऑप्शन ए है सेवक राम, ऑप्शन बी है मेवालाल, ऑप्शन सी है सिर्फ दयाल लाल, ऑप्शन डी है मंसूर। इसका सही उत्तर है सेवक राम। कोसी परियोजना से निम्न में से किसे लाभ प्राप्त हो रहा है? ऑप्शन ए है बिहार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और नेपाल, ऑप्शन डी है बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बिहार और नेपाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविंद्र यादव, सादुल्ला पालवी, रंजीत मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, विद्यासागर, मंदेश महतो, मोतीलाल कुमार, आनंदी प्रसाद, राजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, राजेश कुमार, गुंडर शर्मा, अखिलेश कुमार, विनोद शाह, राकेश मिश्रा, सिकंदर पंडित, नौसाद राजा, बिट्टू सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इंग्लैंड बनाम भारत के 5 मैच की टेस्ट सीरीज में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बनाने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।